हे मत्स्य नरेश, आपके विचार में ये युद्ध जीतने का क्या उपाय है? गंगा पुत्र के रहते तो ये युद्ध कोई जीत ही नहीं सकता महाराज। किंतु उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है मत्स्य नरेश। यही तो कठिनाई है, नहीं तो मैं अब तक उनके जीवन वृक्ष को ना जाने कितनी बार काट चुका हूँ। राजा दृष्टद्युम्न, उनके विषय में ऐसे कठोर स्वरों का उपयोग ना करो। तो क्या उनके चरण स्पर्श करूं और ये कहूं कि हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप ही के कारण जो युद्ध हम एक दिन में जीत सकते थे उसे हम 9 दिन में भी जीत ना पाए? ये तो बड़ा ही क्षत्रिय विचार है भ्राता दृष्टद्युम्न। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जाकर उनके चरण स्पर्श करूं? उन जैसे महात्मा का चरण स्पर्श तो बड़े सौभाग्य की बात है ना राजकुमार। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उनके आशीर्वाद के अतिरिक्त और कोई प्रसाद है ही नहीं।